शहनाज और कारगिल की प्रेगनेंसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए, और एक महीने के बाद शहनाज और कारगिल की प्रेगनेंसी पर जो खबर आई है उसे सुनकर कहीं ना कहीं हर किसी के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ और शहनाज का जो रिलेशन था वो दोस्ती से बढ़कर था, और शहनाज हमेशा ही सिद्धार्थ पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और हमेशा ही वो सिद्धार्थ के साथ लॉयल रहती, और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर वो बेहद ज़्यादा सेंसिटिव थी। ऐसे में अगर इनका कोई फिजिकल रिलेशन बना हो तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं उसके बाद शहनाज ने हौसला रख को प्रमोट किया, और साथ ही इस मूवी की लॉन्चिंग के बाद वो जैसे गायब सी हो गए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब अपडेट आ रही है कि शहनाज कारगिल 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने सभी डेट को कैंसिल कर दिया है। यानी कि शहनाज कारगिल को जो भी अप्रोच कर रहा है शहनाज उसके साथ काम करने के लिए मना कर दे रही हैं। सीधा शहनाज कारगिल का मैनेजर शहनाज कारगिल के सभी डेट को कट कर चुका है। सिद्धार्थ जब से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से शहनाज कारगिल ऑफिशियली कुछ नहीं कहती, ना ही उन्होंने ऑफिशियली असला रग को प्रमोट किया और ना ही वो इंस्टा पर एक्टिव दिख रही हैं। इसके बावजूद इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कारगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी तक खुलकर ना शहनाज ने और ना ही शहनाज के परिवार वालों ने कोई टिप्पणी की है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच शहनाज प्रेग्नेंट है? कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब जब शहनाज को याद किया जाएगा सिद्धार्थ की यादें भी ताजा हो जाएंगी। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला था जिसकी शूटिंग गोवा में की गई थी, और शूट के बाद कई सारी ऐसी फोटोज थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ सॉन्ग हैबिट था जो कि शूट किया गया था गोवा में। सारेगामापा कंपनी इस सॉन्ग को लॉन्च करने वाली थी। श्रेया घोषाल की आवाज़ में इस सॉन्ग को रिकॉर्ड किया गया था, पर आपको बता दें कि अब इस सॉन्ग को अधूरा ही जनता के सामने पोस्ट किया जाएगा, और इस सॉन्ग का नाम हैबिट से बदलकर अधूरा रख दिया गया है। बताया जा रहा है कि सारेगामापा बहुत ही जल्द अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए इस अधूरे सॉन्ग को लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज की जो जोड़ी है वो अब अधूरी हो चुकी है, और इसे अधूरी लव स्टोरी के ऊपर एक अधूरा सॉन्ग है जो कि शूट हुआ था। अब उस अधूरे सॉन्ग को ही सारेगामापा अपने यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड करने वाला है। दोस्तों, शहनाज कारगिल के लिए ये बेहद ज़्यादा अच्छी खबर है, और एक तरह से देखा जाए तो बुरी खबर भी है, क्योंकि शहनाज इस गाने को पूरा नहीं कर पाए और सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चलेगा। ऐसे में इस अधूरे गाने को ही अब यूट्यूब के जरिए अपलोड किया जाएगा फैंस के बीच। दोस्तों, अगर आपने भी आप इस गाने को कितना प्यार दिखाएंगे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 14 अक्टूबर को सिद्धार्थ शुक्ला के पिता का जन्मदिन था जिसके ऊपर फैंस ने जमकर प्यार दिखाया ट्विटर पर। हैप्पी बर्थडे अशोक अंकल ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया। वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला लगातार हर साल अपने पिता को स्टोरी के जरिए मेंशन किया करते थे हैप्पी बर्थडे पर। अब आपको बता दें कि इस साल सिद्धार्थ के न होने के बाद भी फैंस ने सिद्धार्थ के पिता को जमकर प्यार दिया। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 से ही सिद्धार्थ के पिता को ट्विटर के जरिए फैंस हैप्पी बर्थडे विश किया करते थे। बिग बॉस सीजन 13 के दौरान और साथ ही बिग बॉस सीजन 14 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पिता अशोक को बर्थडे विश किया था, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस बर्थडे पर सिद्धार्थ अपने पिता को विश करने के लिए उनके पास ही चले जाएंगे। फैंस बेहद ज्यादा इमोशनल पोस्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ के पिता के इस दुनिया में ना होने से सिद्धार्थ की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। सिद्धार्थ हमेशा ही अपने पिता को मिस करते। दोस्तों, इस साल भले ही सिद्धार्थ विश करने के लिए नहीं थे, पर आपको बता दें कि फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला के पिता अशोक अंकल को खूब प्यार दिखाया, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के पिता को विश करने के लिए फैंस ने ट्विटर पर इसे दूसरे नंबर पर ट्रेंड कराया। वहीं असला रख मूवी को फैंस नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड कराया, जिससे ये पता चलता है
के फैंस लगातार सिडनाज को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? अगर आप भी सिद्धार्थ के पिता को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कमेंट में आए और हैशटैग हैप्पी बर्थडे अशोक अंकल जरूर लिख दीजिए। शहनाज कौर गिल का पहला क्रश कोई और नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में जब शहनाज कौर गिल ने एंट्री की थी उसके बाद से ही लगातार शहनाज कार्तिक आर्यन की फैन है, ऐसी बातें वो दुनिया के सामने रखने लग गई थी। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद जो शहनाज कार्तिक को फॉलो किया करती थी अब उन्होंने कार्तिक आर्यन को अनफॉलो कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर कई सारे विवादित बयान भी आए थे। पर आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब कार्तिक आर्यन ने शहनाज कौर गिल को खुला सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने अभी हाल फिलहाल में ही अपने इंस्टाग्राम के जरिए शहनाज कौर गिल को स्ट्रे स्ट्रॉन्ग सना कहते हुए कहा। उन्होंने शहनाज कौर गिल की एक फोटो इंस्टाग्राम पर लगाई और उन्होंने कहा कि शहनाज मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा कभी भूल नहीं सकता। और साथ ही बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन के साथ शहनाज कौर गिल का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आने वाला है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर हर किसी को इंतजार है कि शहनाज का वो हंसता मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर से देख सके। दोस्तों यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हौसला रख सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने से पहले का प्रोजेक्ट है जिसे मजबूरन शहनाज पूरा कर रही हैं। पर शहनाज कौर गिल अब किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं लगाएंगे जब तक वो सिद्धार्थ को पूरी तरीके से भुला ना दे। जब शहनाज इंटरव्यू दे रही थी हौसला रख को लेकर, उस दौरान हमने देखा कि शहनाज कौर गिल की आंखों में मायूसी और साथ ही चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। क्या आपने भी उस इंटरव्यू को देखा है? नहीं देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएगा। दोस्तों क्या आप भी शहनाज कौर गिल को खुला सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आर्यन खान को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को शाहरुख खान ने अपना पूरा जोर लगा दिया। 10 दिनों के बाद शाहरुख को ऐसा लगा कि वो अपने बेटे आर्यन को एनसीबी के चंगुल से बचा पाएंगे, पर एनसीबी ने जो स्टेटमेंट दी है कोर्ट को उसके जरिए बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक शाहरुख खान की लाडले यानी कि आर्यन खान अब जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्यन को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ गौरी खान और साथ ही शाहरुख खान अपने सभी ताकतों को इस्तेमाल कर चुके हैं अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए। वहीं आपको बता दें कि अभी तक पैसे और साथ ही फेम का इस्तेमाल करते हुए वो अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाए हैं और अभी तक आर्यन को बेल नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी के होश उड़ा देने वाले हैं। एनसीबी ऑफिसर्स ने अभी हाल फिलहाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें उन्होंने बताया कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि वो ना सिर्फ इंडियन ड्रग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी बातचीत कर रखी है। वो लगातार सप्लाई करते हैं, साथ ही ड्रग को सप्लाई करके वो पैसे भी कमाते हैं जो कि गैर कानूनी है। वहीं आपको बता दें कि शाहरुख खान ने इन सभी चीज़ों को बेबुनियाद बताई है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लगातार शाहरुख अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि 20 अक्टूबर तक कोई भी बेल की अर्जी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। 20 अक्टूबर के बाद अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आर्यन खान को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आर्यन सचमुच दोषी है? कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक तरफ तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है 20 अक्टूबर तक के लिए, तो वहीं आपको बता दें कि एनसीबी ऑफिसर्स ने सुशांत केस और साथ ही आर्यन के केस को एक जैसा बताया है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आर्यन खान सिद्धार्थ सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की जो कार्रवाई थी उसे स्टार्ट करी थी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पठानी को सलाखों के पीछे किसी और ने नहीं बल्कि समीर वाखंडे ने पहुंचाई थी जो कि एनसीबी ऑफिसर हैं। समीर वाखंडे से हर किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और समीर वाखंडे ने जो अब सुशांत केस और साथ ही आर्यन केस को ज्वाइन करके बताया है उसे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अब लंबे समय के लिए आर्यन खान फंस जाएगा, क्योंकि आर्यन खान
को सपोर्ट करने वाले भले ही बहुत हो पर सुशांत की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। आपको बता दें कि आर्यन खान का नाम जब से सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ जोड़ा जा रहा है तब से कहीं ना कहीं अब शाहरुख के मन में ये डर आ चुका है कि उसका बेटा लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे जा सकता है। हालांकि 20 अक्टूबर तक अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी आर्यन केस में और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आर्यन को बेल मिल जाए, पर जो अब धब्बा आर्यन के करियर पर लग चुका है वो कहीं ना कहीं उसके करियर और साथ ही उसके पंखों को काटने के लिए काफ़ी। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।